जितना विश्वास मुझे सलमान सर पे है, ठीक है, अफकोर्स सलमान सर सलमान सर, बट अनिल सर पे भी मुझे यकीन है कि अगर गलत हुआ है, अगर बिग बॉस में रायता फैला है, तो उसका सुधार भी बिग बॉस में ही होगा। अरे टारगेट कर लो, ठीक है यार, पर किसी के मेंटल हेल्थ के साथ तो मत खेलो। आप तो पूरा का पूरा उसके मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हो। मुझे ये डर है कि बस जैसा वो गया है वैसा वो ठीक ठाक वापस आ जाए। कटारिया को हम कैसे बना सकते हैं कि वो ये डिसाइड करे कि क्या सही है क्या गलत है। 50 चीजें होती है, नहीं याद रहता उस समय का सिचुएशन, उस समय का प्रेशर, उस समय 50 लोग क्या बोल रहे हैं, आपके सर पे चढ़े, तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा बोला। जिसने बोला हो वो सेल्फ डाउट में आ सकता है। मैं कह रही हूँ कि जब किसी लड़की का जो कैरेक्टर है वो इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इतना तवज्जो दिया जाता है, हेलो तो लड़के के भी दो यार फैक्ट्स तो चेक करो। एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। आई एम विजय तिवारी एंड टुडे आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद समीक्षा, हु इज क्लोज फ्रेंड ऑफ बिग बॉस OTT3 फेम विशाल पांडे, एंड शी इज हियर टू टॉक अबाउट हर फ्रेंड्स जर्नी एंड द रीसेंट कॉन्ट्रोवर्सी डूइंग द राउंड्स। सो समीक्षा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। थैंक यू। एंड यू नो विशाल इज गोइंग ग्रेट, लेकिन अभी पिछले दिनों में जो चीजें उनके साथ हुई हैं, आई एम श्योर इट इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर हिज फैमिली एंड फॉर ऑल द क्लोज फ्रेंड्स जो इतने सालों से उनको जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिएक्शन जानना चाहती हूँ जिस तरीके से पिछले दिनों उनके साथ जो कुछ हुआ है। बहुत बुरा लग रहा है हम सबको, बहुत ज्यादा इनजस्टिस है पूरी तरीके से। इसको बिग बॉस को जल्दी से जल्दी कुछ एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर, हम तो यही चाहते हैं। गलत तो हो ही गया है ऑलरेडी, इतनी सारी चीजें बैक टू बैक गलत हो गई, रूल्स टूट गए, उसके ऊपर कुछ एक्शन भी नहीं लिया गया। बहुत दुखी है हम, बहुत लोग, हम लोग बहुत गुस्से में भी हैं, पर बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिग बॉस एक फेयर डिसीजन लेंगे। लेकिन जिस तरीके से लोग ऑलरेडी कॉल आउट कर रहे हैं मेकर्स को फॉर यू नो नॉट टेकिंग अ स्टैंड, इसके प्रीवियस सीजन में हमने देखा है कि पुशिंग के लिए और यू नो बहुत ज्यादा वायलेंस के लिए लोगों को एलिमिनेट कर दिया गया है, बट इस बार ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया। इनफैक्ट इट वाज लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू कंटेस्टेंट्स जिनको एक्चुअली उस मुद्दे के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं। करेक्ट, तो अनफेयर ही है ना ये। मतलब जब आज तक जितने भी लोगों ने कुछ, कभी ऐसा कुछ हुआ जब भी बिग बॉस में, तो उनको अगर बाहर निकाला गया है शो से, तो इस बार ये सेम चीज कैसे नहीं हुई, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। एक तो पहली बात जो है, लड़ाई जो है वो बेफालतू की, जबरदस्ती का ये इतना पूरा मुद्दा बनाया गया। जो थप्पड़ मारा गया है वो भी गलत चीज के लिए है, वो भी गलत है, ठीक है। उसके बाद जो है, इतने बड़े स्टेप के बाद जो है, आप उसको बाहर भी नहीं निकाल रहे हो, तो जिनको ये डिसीजन दे दिया है उनको भी इन्फॉर्मेशन आधी ही है, उनको भी पूरा सच पता ही नहीं है। कम से कम इतना तो हो कि कम से कम पायल पूरा आके तो बताए कि भाई क्या बोला था, क्या पूरा तो बताओ इन अ गुड वे, ये भी तो बताओ। ये तो बता ही नहीं रहे ना, अब ये पूरी इन्फॉर्मेशन तो दो एटलीस्ट, तो फिर लोगों को फिर जज करने दो ना इन लोगों को कि ये ठीक था या नहीं था। निजी ने तो बोला है कि ठीक नहीं है, निकालना ही चाहिए। हम सबको भी यही लगता है कि निकालना ही चाहिए। ये बड़ा बहुत बड़ा ब्रेक था, रूल ब्रेक था, एंड जिसका मेंशन कॉन्ट्रैक्ट में होता है बिग बॉस के घर के अंदर जाने से पहले। डू यू थिंक दैट दिस विल सेट अ वेरी रॉन्ग एग्जाम्पल फॉर द कमिंग सीजन्स, दैट अगर आप लड़ाई झगड़े करते हैं और आप थोड़ा सा इस तरीके का कंटेंट देते हैं, देन यू वोंट बी सैक्ड फ्रॉम द शो, बिकॉज इस तरीके का ही कोई यू नो लूपहोल निकाल के आपको रख लिया जाएगा। वही मेरा नेक्स्ट जो है यही था कि अगर ऐसे हमेशा बिग बॉस में ये हुआ है, और आपने जैसे कि बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है कि मार नहीं सकते, तो ये जो है, मुझे यही क्वेश्चन हो रहा है कि किसकी सेफ्टी अगर इतनी ही ज्यादा कम वैल्यूएबल है, तो फिर कॉन्टेस्टेंट्स जो है कितना सेफ फील करेंगे, जो है जो कॉन्टेस्टेंट्स है उनके माँ बाप कितना भेजना चाहेंगे उनको अंदर। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा सवाल खड़ा हो जाएगा अगर बिग बॉस ने इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया तो।
क्योंकि फिर तो जैसे कि आपने कहा कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ लूप होल निकाल के जो है वो बच ही जाएगा। ये जो गलत है वो गलत है, और गलत को उसका वही होना चाहिए जो होता है गलत के लोगों के साथ। उसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर मैं तो पहले बोल रही हूँ कि ये गलत ही उनका मारना जो है वो गलत रीजन की वजह से था। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बारी के लिए अगर सही रीजन के लिए भी होता तो भी मारने के बाद तो निकालना ही चाहिए ना। अगर मान लो कि रीजन भी सही होता, गुस्सा जेनुइन होता उनका, उनका थप्पड़ मारना जो है वो सही बात पे होता, तो भी थप्पड़ मारने के बाद निकालना ही चाहिए था ना। जब वो सही था पहले जो है, जब जो झगड़ा हुआ है वो मुझे नहीं पता कि कब हुआ था। पहले मैं बिग बॉस उतना फॉलो नहीं करती, पर मुझे ये पता है कि जब पहले हुआ था तो निकाल दिया गया था, तो ये अब क्यों नहीं हुआ? मतलब आप ये सोचो कि वो जो लड़का है जो रह रहा है अंदर बिग बॉस में, एक तो उसके साथ गलत हो गया, उसको मार दिया गया गलत रीजन की वजह से मार दिया गया, और जो मार रहा है वो तुम्हारे सामने घूम रहा है। ये तो वही बात हो गई कि मेरे साथ किसी ने गलत किया और अब मैं उसका कुछ कर भी नहीं सकती, बिकॉज मेरे हाथ में वो डिसीजन ही नहीं दिया तुमने। आप कैसे रह सकते हो उस इंसान के साथ, और कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप किसी का तोड़ दोगे ये करके? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, इसलिए इसलिए उसको ऐसे टारगेट किया जा रहा है। अरे टारगेट कर लो ठीक है यार, पर किसी के मेंटल हेल्थ के साथ तो मत खेलो। आप तो पूरा का पूरा उसके मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हो। मुझे तो मुझे ये डर है कि बस जैसा वो गया है वैसा वो ठीक ठाक वापस आ जाए, क्योंकि फिजिकली तो वो बहुत स्ट्रांग है, मुझे पता है। थप्पड़ मारने का मौका उसे मिला होता तो वो तो 5 थप्पड़ मार देता, पर मेंटली जैसे उसके साथ खेला जा रहा है, अभी जो कंटेस्टेंट्स हैं अंदर जैसे उसको कॉर्नर कर रहे हैं, वो क्या ये चीज से बाहर आ पाएगा जो वो ये जिया है? मुझे ये टेंशन है। तू बेटर डिसाइड कर पाए तो। बट आपको नहीं लगता समीक्षा कि ये ओपिनियन भी इसीलिए फॉर्म हुआ क्योंकि लवकेश ने वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, अपार्ट फ्रॉम विशाल, समवन एल्स हु हैड द एंटायर इंफॉर्मेशन, इट वाज लवकेश, एंड एवरीबॉडी वाज एक्चुअली रिलाइंग ऑन लवकेश का ओपिनियन। शायद अगर रणवीर को और या दीपक चौरसिया को भी वहां पर लवकेश कॉन्फिडेंटली बोल देते कि भाई मुझे पता है मैं उसके साथ 24 घंटे उठता बैठता हूँ, उसका वो इंटेंशन नहीं था, तो शायद रणवीर भी अरमान के खिलाफ और दीपक भी अरमान के खिलाफ ही फैसला लेते, बिकॉज उन्होंने भी कहीं ना कहीं अंदर ये बोला था कि ये रूल ब्रेक हुआ है। तो देखो आपको लगता वो है कि अभी क्या, बहुत बहुत कुछ रिलाय हो रहा था लवकेश के ऊपर? जैसे अब हम 2 दिन से देख रहे हैं कि विशाल इज गोइंग ऑल आउट टू सपोर्ट लवकेश कटारिया कि वो घर से बाहर ना जाए। यही सपोर्ट शायद एक वो फ्रेंड भी एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसे सिचुएशन में जब वो फंसा था, और वो कहीं ना कहीं ही वाज द बिगेस्ट लेट डाउन दैट टाइम। नहीं मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। देखो ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है ना। तो अगर वो जो है सपोर्ट दिखा रहा है विशाल जैसे कि आपने बोला, तो लवकेश भी दिखा रहा होगा सपोर्ट, ठीक है, तभी वो भी विशाल भी सपोर्ट दिखा रहा है। तो कुछ चीजें होंगी जो शायद हमें ना पता हो जो हो दोनों के बीच में। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि कटारिया को हम कैसे बना सकते हैं कि वो ये डिसाइड करे कि क्या सही है क्या गलत है। 50 चीजें होती है, नहीं याद रहता उस समय का सिचुएशन, उस समय का प्रेशर, उस समय 50 लोग क्या बोल रहे हैं आपके सर पे चढ़े, तुमने ऐसा बोला तुमने ऐसा बोला। जिसने बोला हो वो सेल्फ डाउट में आ सकता है। आप लवकेश को छोड़ो, जिसने बोला हो वो भी सेल्फ डाउट में आ सकता है कि अरे कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने, ऐसा कुछ गलत हो गया क्या, मैंने ऐसे तो नहीं बोला था। उसको मन में तो पता होता है मैंने ऐसे तो नहीं बोला था, बट वो भी 1 मिनट के लिए तो सोचता है। इतने प्रेशर में कोई क्या डिसाइड कर रहा है उसको जज करना बहुत डिफिकल्ट है। और दोस्ती 100% टचवुड उनकी बहुत अच्छी है, ठीक है। और मुझे पता है जहां 100% विशाल को खड़े जरूरत होगी कि लवकेश खड़ा हो विशाल के लिए, मुझे यकीन है जितना तक मुझे दिख रहा है लवकेश जरूर खड़े होंगे उनके लिए। बट आर यू डिसअपॉइंटेड विद द मेकर्स, एंड स्पेशली जिस तरीके से विशाल के साथ जब वो इंसिडेंट नहीं भी हुआ था, जिस तरीके से होस्ट भी उनके साथ बात कर रहे थे जब उन्होंने एक अपनी कोई ओपिनियन रखने की कोशिश की, व्हेन ही थॉट दैट
यू नो अनिल कपूर इज टॉकिंग टू अस, और अनिल कपूर ने बहुत जोर से चिल्लाया विशाल के ऊपर. तो डू यू थिंक कहीं ना कहीं एज होस्ट एंड मेकर्स भी थोड़ा सा बायस्ड हुए हैं इस पूरे सिचुएशन में? मुझे नहीं पता, पहले कभी बायस्ड नहीं हुई क्या बिग बॉस के मेकर्स? शायद होते ही होंगे हमेशा, दैट इज द लाइक कंटेंट ऑफ बिग बॉस, शायद यही होता होगा. बट डेफिनेटली आई एम डिसअपॉइंटेड, ये नहीं बोलूंगी कि नहीं, ये नहीं बोलूंगी कि कुछ गलत नहीं हुआ. डेफिनेटली आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज किसी के कैरेक्टर की बात है. ठीक. आप सीधा सीधा किसी के कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाते हो, और एक परसेंट भी उसमें, 0.00001% भी उसमें सच्चाई नहीं है. मतलब आप खोद खोद के उसमें से जो है चीजें निकाल के उसको उल्टा पुल्टा वर्ड्स के साथ परोस रहे हो. रहे और ये कोई छोटी मोटी बात होती तो एक अलग बात होती कि भाई ऐसा, ये किसी के कैरेक्टर की बात है. ठीक है, एंड जब हैज अ जब किसी, एग्जैक्टली लॉन्ग करियर एंड लाइफ अहेड. मैं कह रही हूँ कि जब किसी लड़की का जो कैरेक्टर है वो इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इतना तवज्जो दिया जाता है, तो लड़के के भी दो यार फैक्ट्स तो चेक करो. ऐसे कैसे बिना फैक्ट चेक किए इतना बड़ा इल्जाम किसी पे लगा सकते हो? तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट तो है, पर मैं, मुझे विश्वास भी है कि अगर इतना सब कुछ हुआ है तो इसके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेंगे बिग बॉस. मेरी तो ये दरख्वास्त है, दो चीजें हैं जो मैं चाहती हूँ कि हो जाए. एक ये कि अरमान मलिक निकले शो से, और दूसरा ये कि प्लीज कंटेस्टेंट्स को पूरा सच बताया जाए क्या हुआ है, ताकि वो फिर डिसाइड करें कि क्या कर रहा है, ताकि चंद्रिका जैसे लोग शिवानी को ये ना बोले कि तू विशाल के साथ क्यों उठ बैठ रही है. जब तक उन्हें सच ही नहीं पता होगा, जब तक पायल की आधी स्टेटमेंट जो है उन्हें पता होगी, तब तक वो यही सोचते रहेंगे. तो प्लीज उन्हें पूरा चीजें बताया जाए कि क्या सच है, क्या बोला गया था एग्जैक्टली. हो सकता है लवकेश भूल गया, पर हमने हमने तो क्लिप 50 बार देख ली ना, हमने, हमें तो पता है क्या है, बट हो सकता है वो भूल गया हो. तो सबको सच बताया जाए क्या है, एंड देन लेट देम डिसाइड. बिना सच, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, और वही हो रहा है. खाली दिक्कत ये है कि पिस विशाल रहा है उसमें, हमें प्रॉब्लम ये है कि खाली वो पिस रहा है उसमें, क्योंकि उसे पता है क्या सच है, पर बाकियों को नहीं पता. एंड ऑल्सो समीक्षा, अ फ्यू थिंग्स बिफोर रैपिंग अप. लॉट ऑफ पीपल आर कॉमेंटिंग कि शायद यहाँ पर अगर सलमान खान होते तो शायद कुछ अलग तरीके से डिसीजन लिया जाता, बिकॉज वी हैव सीन इन द पास्ट सीजंस दैट ही हैज समटाइम्स गॉन ऑल आउट फॉर द कंटेस्टेंट्स, और वो कभी कभी मेकर्स की भी नहीं सुनते और वो फैसला लेते. ऐसे बहुत लोग कॉमेंट कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? डिफिकल्ट है ये सवाल का जवाब देना, क्योंकि मैंने ना बिग बॉस में फॉलो पहले से नहीं किया है. ठीक है, मैं इस बार थोड़ा, क्योंकि विशाल मेरा बेस्ट फ्रेंड है इसमें, तो मैं थोड़ा फॉलो कर रही हूँ. तो सलमान सर ये करते और अनिल कपूर सर ये नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने देखा नहीं, तो मैं क्या ही बोलूं. पर मुझे ये पता है कि जितना विश्वास मुझे सलमान सर पे है, ठीक है, अफकोर्स सलमान सर सलमान सर, बट अनिल सर पे भी मुझे यकीन है कि अगर गलत हुआ है, अगर बिग बॉस में रायता फैला है, तो उसका सुधार भी बिग बॉस में ही होगा. मेरा सिर्फ एक ही एजेंडा है इस चीज का कि जब लड़का बाहर आए शो से, तो उससे ये सवाल ना पूछा जाए कि उसके कैरेक्टर पे कोई सवाल ना आए. बस मेरा, मैं यही चाहती हूँ कि ये जो भी जो गलत हुआ बिग बॉस के अंदर, उसको रेक्टिफाई बिग बॉस के अंदर ही करूँ. उसको बाहर आके अपने कैरेक्टर का जस्टिफिकेशन ना देना पड़े, ये ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. वो ये नहीं डिजर्व करता. कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली, ही हैज ऑलवेज डन गुड वर्क, रिस्पेक्टेड वुमन. मेरे साथ उसने इतना काम किया है, हमने 5-6 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, बैक टू बैक, रोमांटिक वीडियो से लेके म्यूजिक वीडियो से लेके दिन रात काम किया हम लोगों ने साथ में. आज तक मुझे तो वैसी कभी वाइब नहीं आई. और मैं कह रही हूँ कि आप लिखवा के ले लो, मैं लिख के दे सकती हूँ कि किसी लड़की को नहीं आई होगी जिसने भी उसके साथ काम किया होगी. तो ये गलत एलिगेशन लगाना बंद करो, और बस उसको प्लीज ये सब से क्लियर करके वो बाहर आए, मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि वो ये डिजर्व नहीं
क्लेरिफिकेशन देता रहे लोगों को। या लास्ट यू नो एक और क्लिप वायरल हो रही है उस इंसिडेंट के अलावा, जहां पे कृतिका जिम वेयर में थी और जिस तरीके के हाव भाव एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स पास किए गए कि भैया भाग्यशाली, यू हाँ नो बहुत सारे कॉनोटेशन निकल रहे हैं कि वो स्ट्रेट टॉक नहीं था, वो ऑब्वियसली बात है कृतिका के फिगर के ऊपर, और जैसे लड़के आपस में बैठ के किसी लड़की को देखकर यू नो मुंबईया लैंग्वेज में होता है कि ताड़ते हैं और कमेंट्स पास करते हैं, वो उस तरीके का निकल के आ रहा है। और काफी अगर यू नो लोग विशाल के सपोर्ट में आ रहे हैं तो काफी लोगों ने उस क्लिप को भी हाईलाइट किया है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन इंसिडेंट बट अदर इंसिडेंट्स ऑल्सो, जिसकी वजह से मेकर्स को भी शायद लगा हो कि विशाल पूरी तरह से करेक्ट नहीं सिचुएशन। व्हाट डू यू हैव टू से? वो वाली क्लिप भी मैंने देखी, मुझे तो नहीं लगा उस क्लिप में भी वैसा कुछ। अगर मेकर्स को लगा हो तो मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं लगा। क्योंकि अगर अगर कोई अगर मेरे सपोजिटली हस्बैंड को या मेरे बॉयफ्रेंड को कोई बोले कि भाई तुम बहुत भाग्यशाली हो, तो उसमें बुरा क्या है? मतलब तारीफ ही कर रहे हो ना तुम मेरी। और मुझे तो नहीं लगा कि उस वे में जो है, जैसे कि आप बोल रहे हो कि ऑब्जेक्टिफाई करते हुए बोला गया है, मुझे तो ये फीलिंग नहीं आई। ठीक है, जिन लोगों को आई हो, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसी आई है, फिर उनकी सोच ही वैसी होगी, क्या बोल सकते हैं। क्योंकि मैं तो उसे अच्छी तरह जानती हूँ। अगर वो किसी को पसंद करता है तो मुंह पे बोलता है, उसने 50 बार मुंह पे भी बोला, ठीक है, उस तरीके से उसने नहीं बोला। प्रॉब्लम ये है कि उसकी बात ही कोई सुन नहीं रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है उस वे में नहीं बोला, ये भी बोला था इन अ गुड वे, वीडियो भी हमने देख ली। पर फिर भी हम जो है घर वाले ऑडियंस तो बहुत सपोर्ट कर रही है, यहाँ बाहर तो उसको फुल सपोर्ट है, दिख रहा है कि कोई भी बहुत कोई इक्का दुक्का होगा मुझे लगता है, जो अभी भी ये सोचता होगा कि अरमान ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई होगा। बट जो है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पहले तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे कौन रहा है? आप ये देखो ना, अरमान वो डिजर्व भी करते हैं, ये बोलना भी, वो तो खड़े होना भी नहीं डिजर्व करते उसके सामने। मैं होती तो मैं तो आई कैन नॉट शेयर द सेम रूम विद हिम, आई कैन नॉट। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो बहुत बुरे इंसान है इसके लिए या कुछ है, उनकी और मेरी वाइब भी मैच नहीं करेगी। आई कैन नॉट बी विद हिम। और अगर मैं होती भी तो मैं तो ट्राई भी नहीं करती उनसे कभी बात करने की। और आई थिंक सेम विशाल भी कर रहा था, पर वही आके पोक कर रहे हैं, वही आके पोक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि घर के बाहर से ही वो डिसाइड करके आए थे कि विशाल के पे क्रॉस लगा कर आए थे कि इसको ही टारगेट करना है, कच्चा बादाम ये वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। वो वीडियो भी मेरी है एक्चुअली, वो वीडियो दिखा के उन्होंने उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाली, वो मेरी वीडियो है, वो विशाल की वीडियो भी नहीं। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों का सब सेम ही रहता था। बट आप किसी के कंटेंट को जज कर रहे हो, पहले तो मुझे हंसी आ रही है आपके ऊपर कि आप हमारे कंटेंट को जज कर रहे हो। आपका क्या कंटेंट है? आप कैसे बोल सकते हो किसी के बारे में? आपने खुद को कभी शीशे में देखा है? खुद के गिरबान में तो झांक लो एक बार। और मुझे देख, वो तो खैर जो है सो है, वो तो है ही गलत इंसान, उनका क्या बोला जाए। बट मैं तो चाहती हूँ कि हमारे लड़के के साथ जस्टिस हो भाई, ठीक है, मेरे दोस्त के साथ जस्टिस होना चाहिए। वो ये डिजर्व नहीं करता, मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि वो गलत है। इतने साल उसके साथ काम करने के बाद भी मुझे ये नहीं लगा कि वो कहीं उसने को कभी कुछ ऐसा किया हो। क्योंकि आप शायद मम्मी और सिस्टर की जो है स्टेटमेंट को, क्योंकि वो तो माँ और बहन है, मैं तो उसकी दोस्त हूँ, मैंने तो उसके साथ काम किया है, 6 साल काम किया है, रोमांटिक वीडियोस भी बनाए, ठीक है, मुझे तो कभी फील नहीं हुआ, मुझे तो नहीं हुआ कभी भी ऐसा। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप बाकी भी किसी कोई भी लड़की जिसके भी साथ उसने कभी काम किया, उससे भी पूछ लो, वो भी सेम जवाब देगी। छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बना के किसी के कैरेक्टर के ऊपर सवाल मत उठाओ, बहुत बड़ी बात है। इफ लड़की की इज्जत मैटर करती है, तो भाई लड़के की भी इज्जत मैटर करती है। क्या ही उसकी ना ही उसके साथ उसको वीकेंड के बारे में बोलने दिया अनिल सर ने, उसको जस्टिफिकेशन भी नहीं देने दिया। वहां पे भी जब उसको अरमान जो है वो थप्पड़ मार दिया उसको, उसको तब भी इतना जोर से पकड़ लिया, सब लोग उसके ही पास आ गए, उसको एकदम रिएक्ट ही नहीं करने दिया। अगर उसको रिएक्ट करने का मौका दिया होता तो वो भी जड़ देता फिर।
वो क्यों सह के लेता, वो भी मार ही देता, क्योंकि गलत थोड़े सहेंगे यार, जब गलत किया नहीं तो गलत क्यों सहे। और मैं तो एक्सपेक्ट करती हूँ बॉस से कि प्लीज आप एक्शन लो इस चीज के ऊपर, क्योंकि ये बात सिर्फ विशाल की डिग्निटी की नहीं है, शो की डिग्निटी की, प्लीज आप एक्शन लो, नहीं तो फिर हम सब सारे कंटेस्टेंट्स फिर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे आगे के लिए, बिग बॉस के लिए, कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है, या फिर प्रिपेयर होके आएंगे कि ये करना है, लूप होल निकाल के निकल तो जाएंगे, ऐसा ना हो। आप प्लीज एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लें, हमारा यही रिक्वेस्ट है बिग बॉस से। लास्टली दैट्स इट। समीक्षा, आप एक इतना इमोशनल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और इतनी सालों से जानती हैं विशाल को, जब ये हुआ आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू वॉच। कल मैं विशाल की बहन से बात करी थी एंड शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू इवन सी दैट फुटेज। आई एम श्योर आपके लिए भी उतना ही डिफिकल्ट रहा होगा बिकॉज यू हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद विशाल फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। What was your reaction when you saw? And if given a chance, if you get a chance to go inside, what will you do? ऑफ कोर्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट, हम सबके लिए डिफिकल्ट था, ठीक है। हम सभी रोए वो देखकर। अब विशाल के साथ जो हुआ होगा वो तो उसने किया है जिस तरीके से, एंड हैट्स ऑफ टू हिम। हम तो उसका 1-2% देख पा रहे, 1-2% फील कर पा रहे होंगे जो उसे फील हुआ, और यही सोच के इतना ज्यादा हम डर रहे हैं कि जब हमें इतना ज्यादा फील हो रहा है तो उसको क्या फील हो रहा होगा, वो कैसे हैंडल कर रहा होगा ये सब चीजें। यही जो है, हम लोग बहुत डरे हुए हैं चीज को सोचकर। सॉरी, आपका नेक्स्ट सवाल क्या था? इफ गिवन अ चांस, इफ यू गेट अ चांस टू गो इनसाइड, व्हाट विल बी योर रिएक्शन, व्हाट विल यू डू? गिवन अ चांस आई गो देयर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेरिफाई कि विशाल के ऊपर जो भी सवाल किए जा रहे हैं उसको मैं क्लैरिफाई करूंगी, जो सच है वो बताऊंगी, ठीक है। मैं मेरे दोस्त के लिए दिन रात खड़ी हो सकती हूँ वहां जाके। गिवन अ चांस आई विल गो देयर एंड आई विल टेल एवरीबॉडी, एंड एटलीस्ट आई विल नॉट, मैं उन्हें डिसीजन नहीं बताऊंगी, मैं सच बताऊंगी, डिसीजन उन्हें लेने दूंगी, पर सच बताना तो मेरा काम है ना, सच बताना तो, सच तो बताना चाहिए ना, और मुझे पता है सच जानने के बाद वो सही ही डिसीजन लेंगे। तो गिवन अ चांस ऑफ कोर्स आई विल गो एंड आई विल सपोर्ट हिम, नॉट टू विन, मेरे को बिग बॉस हारना जीतना अब उससे मेरा एक्चुअली नहीं। बहुत ऊपर निकल चुका है जो सिचुएशन है, अब हार जीत से बहुत ज्यादा ऊपर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें जो है मेरे लिए मैटर नहीं करती हैं अभी। अभी ये मैटर करता है कि अगर अगर बुलाया गया चाहे 1 दिन के लिए सही, 4 घंटे के लिए सही, मैं क्लेरिफाई करके आऊंगी। मैं चाहती हूँ कि जब वो बाहर निकले तो वो शान से बाहर निकल सके, ये क्वेश्चंस के साथ बाहर ना निकले, ये पर्टिकुलर ये टाइप के क्वेश्चंस के साथ बाहर ना निकले, बस मैं इतना चाहती हूँ। और अगर मुझे बुलाया गया तो 100% मैं ये क्लियर करके आऊंगी, क्लियर ही करके आऊंगी। राइट, थैंक यू सो मच समीक्षा फॉर टॉकिंग टू अस एंड होप फॉर द बेस्ट। होपफुली कि जब विशाल जब भी बाहर आए वो सर उठा के ही बाहर आए और उनको ऐसी चीजों का वो आएगा सामना ना ही, करना हंड्रेड पड़े। परसेंट आएगा, जी बस बिल्कुल, मेरी रिक्वेस्ट है ये सबसे ही कि भाई ये जो कि मैंने पहले भी कहा कि जो रायता है जो बिग बॉस में फैला है, ये रायता जो है वो वहीं पे सुलट के भी है, बस या मैं यही चाहती हूँ। वट एवर वो जैसे भी आता है वो तो सर उठा के ही आएगा, और अगर उसको कुछ स्ट्रेस भी रहता है तो हम सब तो है ही उसके साथ, वी ऑल आर देयर विद हिम, राइट, ठीक है। पूरा जनता का सपोर्ट है उसके पास, वो तो बाहर आते हैं जैसे जनता का भी सपोर्ट देखेगा उतने में ही, मतलब उसको वो बहुत खुश हो जाने वाला है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि यार लोगों को दिख रहा है वो सही डिसीजन ले रहे हैं, वो सही का साथ दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें सब सपोर्ट कर रहे हैं। पर अगर वो बाहर आएगा, अगर कुछ भी इशू होता है तो वी आर विद हिम, डोंट वरी, यस मतलब हम अंदर भी उसके साथ है, जब वो बाहर आएगा तब भी उसके साथ है। यस, थैंक यू समीक्षा, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू, ऑल द बेस्ट, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक मच, बाय, टेक यू केयर, सो मच, बाय। थैंक यू, ओके, बाय।